नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। सबसे बड़ा दिन, आखिरी दिन, सातवें चरण का मतदान यानी कि चक्रव्यूह का सातवां द्वार, जिसे हर राजनीतिक पार्टी भेदने की कोशिश करेगी। बड़ी खबर, 7 बजने वाले हैं, लगभग 2 मिनट बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी। जी हां, सातवें चरण के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग, जहां पर उत्तर प्रदेश की 13 सीट, देश भर की 59 सीटें, 8 राज्यों की, जहां पर आज वोट डाले जाएंगे। तो जहां पर यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है, देश भर की 59 सीटें जिन पर आज मतदान होना है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर, खास तौर पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अजय राय की चुनौती। कांग्रेस के उम्मीदवार रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सीएम योगी की प्रतिष्ठा दांव पर है चंदौली में, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे मैदान में हैं। उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। पंजाब उत्तर प्रदेश की 13-13 सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार मध्य प्रदेश में 8-8 सीटों पर चुनाव है। तो ऐसे में देश भर की 59 सीटें जिन पर आज मतदान होना है। पश्चिम बंगाल में 9, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर मतदान होना है। खास तौर पर नजर रहेगी देश भर की 59 सीटों पर, लेकिन 13 सीटें उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण। गोरखपुर की तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें, जहां पर सुबह सुबह मंदिर में पूजा पाठ करते नजर आए। और कोशिश यही है उनकी कि दरअसल 7 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो सबसे पहले वोट डालें। 7 बजे मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, यानी कि अब पहुंच गए होंगे। और थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जहां पर पीठ में, जहां पर मठ में उन्होंने पूजा अर्चना की, और खास तौर पर गौशाला में गए जहां पर गायों को चना गुड़ खिलाया। साथ ही साथ तमाम तस्वीरों के बीच में आप 2 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुबह गोरखपुर की है, दूसरी तस्वीर तमाम मतदान केंद्रों की, जहां पर तैयारियां पूरी हैं लोकतंत्र के महापर्व में, जहां पर आज आखिरी चरण का मतदान है। यानी कि 7 चरणों में जो मतदान देश के अंदर होना था, देश की सरकार चुनने के लिए, आज उसका आखिरी चरण है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की मेहनत, तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां, शोर, सब कुछ 17 तारीख को शाम 5 बजे थम गया था। और अब जहां पर आज लगातार वोटिंग को लेकर तमाम खबरें आएंगी, तमाम अपडेट आएंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस एके मिश्रा स्टूडियो में मौजूद हैं। और एके मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। 6 चरण हमने बता दिए, इस 6 चरण में हमने स्टूडियो में बैठकर डिबेट भी की, ग्राउंड पर भी गए, अलग अलग तरह से चर्चा भी की। कई बार हम गर्म भी हुए, कई बार नरम भी हुए, तमाम राजनीतिक दलों के साथ चर्चा के अंदर। सबसे पहले तमाम चीज़ों से इतर मेरा सवाल ये है कि आज 7वां चरण है, आखिरी चरण है। और कहा जाता है कि जब परीक्षा का आखिरी पेपर होता है, राजनीतिक दल पेपर दे रहे थे, लेकिन हमारा भी था, आज आखिरी पेपर है। अजितेश, आपने सही बोला, चुनावी चक्रव्यूह का अंतिम द्वार है। और एक कोरिलेशन देखिए, महाभारत में जब चक्रव्यूह था तो वहाँ पे भी 7वां द्वार था, उसी को तोड़ने की बात चली थी। और यहाँ पर भी ये जो अंतिम चरण चल रहा है आपका, और बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो सीट है प्रधानमंत्री जी की, जो बनारस है, वहाँ पे सब लोगों की निगाहें टिकी हुई है। प्रश्न बहुत से हैं कि क्या वापस प्रधानमंत्री जी जीत पाएंगे, क्योंकि विपक्ष ने बड़ी चुनौतियां दी हैं, प्रियंका गांधी वगैरह को उतारा है। जीतेंगे तो क्या उतने मार्जिन से जीत पाएंगे जितने पहली बार जीते थे? वहीं पे तेज बहादुर यादव जी, जो बीएसएफ के पूर्व जो सिपाही हैं, जिनको बर्खास्त कर दिया गया था, उनका भी मामला बीच में ये उठा था। तो मैं मानता हूँ कि आज का दिन बड़ा ही उत्तेजक दिन होगा। ये 60 सीट पर जो वोटिंग हो रही है, और ये सारी की सारी सीटें आप देखिए, ऐसी इंपॉर्टेंट सीटें हैं ना, कि ये सीटें कम नहीं, मतलब इनको कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। क्राइसिस के टाइम पे इन्हीं सीटों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे कहने का मतलब, इस पीरियड में जिस पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो क्राइसिस मैनेजमेंट, स्पेशली जब गवर्नमेंट ऐसी हो जाती है, डावाडोल वाली कंडीशन हो जाती है, जहाँ पे कि थोड़े बहुत सीटों की ज़रूरत होती है सरकार गिराने या बनाने के लिए, उस हिसाब से ये देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आपने सही बोला है कि ये अंतिम पर्चा जैसे होता है, अंतिम इम्तहान का दिन होता है, अंत भला तो सब भला वाली जो कहावत है, वही चीज है। अगर आज सब कुछ अच्छा हो गया,
जिन पार्टियों ने आज अच्छा परफॉर्मेंस किया, मे बी पॉसिबल कि अगले 5 सालों तक उनकी परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है अगले 5 साल तक जिन तमाम दावों और वादों को लेकर अभी चुनाव मैदान में है वो पूरा कितना करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि दरअसल आज 7वां चरण तो है, आखिरी चरण है, लेकिन जैसा कि एके मिश्रा ने भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा नेता, देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और खास तौर पर तमाम जो जिम्मेदारियां बीजेपी की अपने स्तर पर लेकर चुनाव प्रचार किया, आज उनका अपना इंतहाम नहीं है। एके, अब मेरा सवाल ये है, क्योंकि हमने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे चुनाव में गोरखपुर को लेकर खास तौर पर उनके इन्वॉल्वमेंट को भी अगर हम देखें उपचुनाव और 2019 के आम चुनाव में, एक तस्वीर का फर्क है गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन्वॉल्वमेंट को लेकर, और तस्वीर के परिणाम भी हमने देखे थे, उपचुनाव में हार हुई थी बीजेपी की, इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से है, ऐसा क्यों है? आपने कुछ एनालिस किया कैंडिडेट को लेकर, उपचुनाव में चली नहीं इस बार उनके मन का प्रत्याशी, और खास तौर पर रवि किशन गोरखपुर में, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी मैंने हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना, इनके भाषण को आप सुनिए ना, और दूसरी सवाल सबसे बड़ा मेरा मतलब मेरे दिमाग में ये चीज़ खटकी थी, स्ट्राइक की थी कि पहला वोट डालने, मतलब हो सकता है 10 मिनट बाद डालते, आधे घंटे बाद डालते, लेकिन पहला वोट क्यों डाला? उसका आंसर इन योगी जी के भाषण से मिल जाता है। ये भाषण कम था, वहाँ के जनता को एक इनडायरेक्ट वे में और बंगाल के जनता को इनडायरेक्ट वे में एक चुनावी प्रचार, ये मुझे ज़्यादा लगा। इस भाषण में इन्होंने मोदी जी को कवर किया और उसके साथ साथ विरोधियों पे इनडायरेक्ट वे में ये जम के बरसे। इन्होंने ये भी बता दिया इस भाषण में कि क्यों आप हमको जो है यानी बीजेपी को वोट करें, चाहे बंगाल हो चाहे जहाँ पे भी हो। तो अब ये चीज क्लियर हो गया है। दूसरी चीज ये देखा जाए कि बाई इलेक्शंस में ये हार गए थे, जहां पे योगी जैसे दिग्गज आदमी जो खुद वहां से 5-5 बार जीते हो, 5-6 बार जीते हो, मुख्यमंत्री हो, वो हार जाना मतलब एकदम से वो नाक की लड़ाई थी। तो काफी मुझे लगता है कि फेल्योर के रूप में इसको देखा गया था। इसका मैसेज बीजेपी के लिए बड़ा निगेटिव था, विपक्ष वाले बहुत उत्साहित हो गए थे। यही रीजन है कि देखिए एक चीज और है, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा। योगी जी ने भी अभी बोला मोदी का नाम, मतलब पूरे इलेक्शन को मोदी में किया जा रहा है, बीजेपी का नाम हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? यहाँ पे रवि किशन जी को क्यों उतारा गया है, जिनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं था, पृष्ठभूमि नहीं थी? कहने का मतलब है कि कैसे भी करके बीजेपी अब की बार इन सीटों पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो विजय हासिल करना चाहती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, स्ट्रेटजिक वे में सोचा जाए, क्यों सारे प्रचार से अब की बार बीजेपी सरकार यानी बीजेपी शब्द को मोदी शब्द से रिप्लेस कर दिया गया? देखिए बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है, मैं इस बारे में सोच रहा था। देखिए है क्या, ओवरऑल अगर ये बीजेपी को प्रक्षेपित करते, पोजीशन करते, तो ठीक है बीजेपी ने बहुत कमियां भी की है, बहुत अच्छे बुरे नेता भी रहे होंगे, कई लोग ऐसे भी नेता रहे हों जो सस्पेंडेड हुए हों या किसी आरोप में हटा दिए गए हों या आरोप लगा हो, तो अगर ये पूरा बीजेपी करते तो कई तरीके के क्वेश्चंस इनके ऊपर उठते, क्योंकि इनका मोटो है, इनका प्रेजेंटेशन ये है कि जो है हम किसी भी तरीके के दाग से मुक्त हैं। अच्छा, अब मोदी ही इकलौते ऐसे एक पर्सनालिटी पूरे बीजेपी में बचे हुए थे जिनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह एटलीस्ट भ्रष्टाचार वगैरह के मामले में नहीं लगाया जाता। तो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी कि बीजेपी को हटा दो ताकि निगेटिविटी को मैनेज किया जा सके और उस जगह केवल मोदी को ला दिया जाए और पूरे लोगों का, पक्ष का, विपक्ष का, बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने गेम को केवल और केवल मोदी के चारों तरफ घुमाया। आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो निगेटिव क्वेश्चन थे, जो प्रश्न मार्क थे, वो तो ऐसे ही इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल, चंदौली से सूरज भी हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, चंदौली भी बेहद हॉट सीट है, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे की जो किस्मत है उसका आज फैसला होगा। सबसे पहले आपसे जानेंगे हवा क्या कह रही है चंदौली की, और वोट करने लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं, फिलहाल क्या तस्वीर है, सब कुछ दिखाइए। इस में बता दूं कि लोकतंत्र महापर्व के चुनाव का ये आखिरी चरण है और ये बनारस के बाद सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से दाव पर लगी है, क्योंकि यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी काफी मजबूती से लड़ रहे हैं और उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं यहाँ पे
वोटर्स में काफी उत्साह है, सुबह से लोग लाइन लगाए हुए हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं बूथ संख्या 398 पर, यहाँ लाइनें लग चुकी हैं और लोगों में वोट देने के लिए काफी उत्साह है। जी बिल्कुल सूरज, हम कोशिश आप ये करिएगा, लोगों से बातचीत भी करिए, खासतौर पर जो पहला वोटर हो उनसे बातचीत करिए, बाकी जो मतदान करने पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत की कोशिश करिए कि आखिरकार वाकई में जब हम बात कर रहे हैं चंदौली की किस तरह के मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर लोग वोट डाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे एक तरफ खड़े हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि अभी 398 बूथ संख्या पे कृष्णा पांडे जी वोट लेकर आए हैं और ये पहले मतदाता हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, आप बताएं यहाँ वोट देने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी लोकतंत्र के महापर्व पर सुबह सुबह कवरिंग करने के लिए आए हैं। और देखिए, जो इस मुद्दा इस देश में आज़ादी के बाद मुझे लग रहा है कि लोगों को विकास के नाम वोट देना चाहिए, जो सबके साथ चलें, सबको लेकर के चलें, सबके अंदर उनकी भावना हो, सबको विकास करने की अंदर क्षमता हो, लोगों को जातिवाद से हटकर विकास के नाम पर वोट देना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। तो आपने सुना अजितेश कि इनका साफ कहना है कि जातिवाद से हट के विकास के मुद्दे पे इन्होंने वोट किया है और एक तरह से लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक मजबूत सरकार को चुने। जी अजितेश, बिल्कुल सूरज आपके पास आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए।